हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको कि क्लॉथ मॉडिफायर कैसे यूज़ करते हैं। बेसिकली क्लॉथ मॉडिफायर होता क्या है? क्लॉथ मॉडिफायर एक मॉडिफायर है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी चीज़ के ऊपर अपना क्लॉथ को डाल सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, सोफे के ऊपर क्लॉथ्स पड़े होते हैं, ड्रेपर्स पड़े होते हैं, या फिर कर्टेंस होते हैं, या फिर आपने टॉवल्स देखे होंगे, टॉवल रैक होती हैं, उसके ऊपर टॉवल टंगा होता है। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करते हैं हम क्लॉथ मॉडिफायर का यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं एक आपको नॉर्मल अपना कोई मॉडल खोल लेता हूँ। जैसे कि मैंने ये टेबल खोली है अपनी, मैं इसका मॉडल खोल लेता हूँ ताकि हम लोग काम कर सकें उस फाइल पे। तो नॉर्मली मैं ये फाइल खोलूँगा, देन इसमें मैं इसकी जो चेयर्स हैं वो सब रिमूव कर दूंगा, एज आई डोंट वांट देम। तो मैं इसको ओपन करूंगा और ये सब चेयर्स डिलीट कर दूंगा इसमें से, जो कि मेरे को नहीं चाहिए। जैसा कि मैंने ये टेबल निकाल ली है अपने मॉडल में से, तो अब मैं इसको ग्रुप कर लूँगा, नाम दे दूँगा मैं इसका टेबल। दें इसको हम सेंटर में कर लेंगे, अगर सेंटर में नहीं आ रहा तो ग्रिड जोन कर लेंगे हम अपनी। तो अब मैं जैसे इस टॉप व्यू से जाके एक प्लेन क्रिएट कर दूंगा इसके ऊपर, जितना ही मेरे को चाहिए होगा। जैसे मेरे को थोड़ा साइड में इफेक्ट चाहिए, या फिर जैसे आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट्स में टेबल वगैरह जो होती हैं वो इस तरह से उसके ऊपर कपड़ा होता है ढका हुआ, तो हम उस टाइप का लुक क्रिएट करने की ट्राई करेंगे। तो मैंने जैसे प्लेन लिया, अब मैं इसकी सेगमेंट्स बढ़ा दूंगा। अगर हमारी सेगमेंट्स नहीं होंगी तो हमारे जो हमारा जो वर्क है उस पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा जो हम इस पर क्लॉथ मॉडिफायर डाल रहे हैं। तो मैं ऐसी क्लॉथ मॉडिफायर डालूँगा, देन अब मैंने सिलेक्ट करके सिर्फ इस पर डाला है क्लॉथ मॉडिफायर ताकि इस पर लगे। अब मैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज पे जाऊँगा तो मेरा यहाँ पे प्लेन वन दिखा रहा है। प्लेन में मतलब जो हमारा प्लेन है, अगर अगर आप जैसे नाम चेंज कर देते हैं इसका क्लोथ से पहले, जैसे मैंने कर दिया टेबल मैट, ठीक है। अब मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लोथ मॉडिफायर लगाऊंगा, CLO लिखूंगा, तो क्लोथ आ जाएगा। मैं उसके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि आपका टेबल मैट आ गया। तो अब हमें इस पर क्या करना है, इस पर हमें क्लोथ पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे प्रीसेट्स होते हैं कुछ। प्रीसेट्स मतलब कि जो प्री सॉफ्टवेयर मतलब हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से कुछ कपड़ों के जो होती हैं डेंसिटीज़ वगैरह, या फिर उनका कितना थिकनेस होती है, या फिर उनका जो भी उनकी क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो। तो जैसे हम क्लिक करेंगे इस पर तो इसमें बहुत सारे आते हैं, टेरी क्लोथ आ गया, वेट क्लोथ आ गया, वूल आ गया, रबर आ गया, आपका सैटिन आ गया, या फिर कॉटन आ गया, या बर्लैप आ गया। तो ये सारे अलग अलग क्लोथ के टाइप्स हैं। अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं कि बर्लैप की क्लोथ का मतलब लुक कैसा होता है, या फिर कॉटन कैसा होता है, या फिर हैवी लेदर कैसा होता है, जैसे भी आपको चाहिए होता है। तो जैसे मैं बर्लैप पे क्लिक करूँगा तो ये अपने आप इसने एक ऑटोमेटिक चीज़ फाइंड कर ली कि हाँ इसकी इतनी इतनी प्रॉपर्टीज होती है। मैं जैसे सिल्क करूँगा तो सिल्क का अपने आप ले लिया इन्होंने, या मैं जैसे ही स्पेंडेक्स करूँगा तो इनके बता दिया कि अपना इन्होंने अलग कर दिया। तो मैं इस पर जैसे सिल्क लेता हूँ क्योंकि जनरली सिल्क का ही क्लोथ होता है हमारी टेबल के ऊपर जब भी हम रेस्टोरेंट्स वगैरह पर देखते हैं। तो मैं इस पर आपका जाके नीचे जाके
इसको कर दूंगा, इसको क्लोथ करके हमने सिल्क कर दिया, दैट्स इट। अब मैं जाऊंगा इसमें ऐड ऑब्जेक्ट करूंगा अपना, जैसे ऐड ऑब्जेक्ट करूंगा तो इसमें मुझसे पूछा कि कौन सा ऑब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना है, तो मेरी टेबल बनी हुई है तो मैंने टेबल को सिलेक्ट करके इसको ऐड कर दिया, तो वो थोड़ी देर में टेबल भी ऐड कर देगा मेरा ऑब्जेक्ट। इसे इन दोनों को कर दिया, देन मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके इसको कोलेजन ऑब्जेक्ट कर दूंगा। कोलेजन ऑब्जेक्ट मतलब कि इस पर्टिकुलर चीज़ पे मेरा क्लॉथ का इफेक्ट पड़े। देन मैं इसको सीधा सिंपली ओके कर दूंगा। देन मैं आगे जाके इसमें, अगर जैसे आप कभी बार करते हैं तो आपका ये प्रोग्रेस वाला ऑप्शन ऑफ होता है चेकबॉक्स, तो इसको ऑन कर लें। उसके बाद यहाँ पे सिंपली हमें सिमुलेट पे क्लिक करना है, तो जैसे ही हम सिमुलेट पे करेंगे क्लिक तो ये ऑटोमेटिकली हमारा जो क्लॉथ है वो इस पे गिर जाएगा या फिर इसकी शेप ले लेगा। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, तो मैं करके दिखाता हूँ आपको। मैंने सिमुलेट कर दिया, तो यहाँ पे एक टाइम लाइन आ गई और आप देख सकते हैं कि इसमें 100 फ्रेम्स होते हैं, तो ये अभी 5 फ्रेम पर चल रहा है। जैसे जैसे ये चीज़ हमारी इस टेबल पर आएगी वैसे वैसे ये टेबल का इफेक्ट लेती जाएगी। तो अभी मैं आपको दिखा सकता, जैसे ये पूरा होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ, तो थोड़ा वेट करते हैं हम इसके लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पूरा हो चुका है हमारा, तो अब इसमें ना फ्रेम्स हैं हमारे पास जिसमें हम लोग अपने हिसाब से कितना भी रह सकते हैं जैसे हमारी सुविधा हो। तो ये पूरा क्लॉथ की तरह बन चुका है, अगर आपको पूरा फ्रेम रखना है तो पूरे रह सकते हैं, नहीं तो जैसे इतना छोड़ सकते हैं हम लोग। तो अब इतना छोड़ के हम थोड़ा सा इसको फ्रंट से जाके थोड़ा सा उठा देंगे, क्योंकि थोड़ा सा हमारे टेबल के अंदर एकदम से घुस गया है। तो ऐसा सब ना हो तो हम पहले ही थोड़ा सा क्लॉथ अपना बड़ा रखेंगे ताकि हमें कभी दिक्कत ना हो। तो ऐसे हम क्लॉथ मॉडिफायर यूज़ कर सकते हैं हम अपने किसी भी टेबल पे या फिर अपनी टॉवल हैंगर्स पे, जैसे भी हमें करना है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई या आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मैं आपके बनाऊंगा। तो थैंक यू गाइस।